तो गाइस आज की इस वीडियो में मुझे बात करने वाले हैं NXT बोर्ड गेम्स 2020 की स्टार्टिंग्स के बारे में। जैसे गाइस आप जानते हैं कि मैं डीएम बैलजे जो कि असम जोर से आते हैं, उन्होंने अपने जो अभी हर पेपर की स्टार्टिंग्स देते हैं, उन्होंने हमारे NXT बोर्ड गेम्स की भी रेटिंग्स भी दे दिए। तो गाइस रेटिंग्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा रेटिंग्स मिली इस पूरे पेपीवी को। मैं आपको सभी मैचेस की स्टार्टिंग्स बताने वाला हूँ। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड है तो आप इस वीडियो को पूरे देखें, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जो कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, क्योंकि आपके यहाँ पर डेली ऐसी वीडियो मिलती रहती है। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट मैच हमें टीम सोर्जी ब्लैक हार्ट वर्सेस टीम कैंडल स्लेयर के बीच 4-on-4 मैच देखने को मिला, जो गाइस एक वॉरगेम्स मैच था। आपको पता है कि वॉरगेम्स के मैच कितने अच्छे जाते हैं हर साल और कितने ब्रुटली मैच होते हैं। तो गाइस ऐसे ब्रुटल मैच था, कितने कमाल के स्टंट समय इस मैच में देखने को मिले थे। गाइस इस मैच में यश राय वहाँ पर कैप्टन हो गई थी करकर गुंजाल के हाथों, और वहाँ पर जो हमारे टीम कैंडल जीत गई थी अपने पिन करकर। तो अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो गाइस डेम मेलजन इसे 3.5 स्टार्स की रेटिंग दी, जो गाइस मेरे हिसाब से अंदर काफ़ी कम रेटिंग्स मिले, क्योंकि इतने कमाल का मैच था और गेम्स ये मैच इतने ब्रूटल मैच था, तो इसे भाई 4 स्टार्स तो कम से कम इसे मिलने चाहिए थे। गाइस आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस रेटिंग्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितनी रेटिंग्स देना चाहेंगे इस पूरे पेपर के सभी मैचेस को। प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं सभी कमेंट करके देता हूं। अगर गाइस नेक्स्ट मैच की बात की जाए तो हमारी टोमेसो कैंपा वर्सेस टिमोथी थैचर के बीच एक रेसलिंग मैच देखने को मिला, जो गाइस एक टेक्निकल रेसलिंग मैच थी। मैच के अंदर काफ़ी अच्छे मूव्स सबमिशन मूव काफ़ी अच्छे अच्छे मूव्स इस मैच में देखने को मिले थे। गाइस अगर मैच की स्टार्टिंग की बात करें तो इस मैच को हमारे डीएम मैनेजर ने तो मैच कैंपा जीते थे इस मैच में, पर रेटिंग्स इस मैच को 3.75 रेटिंग्स दिए, जो गाइस काफ़ी अच्छी स्टार्टिंग्स दे दिए डीएम मैनेजर ने इसमें, मतलब काफ़ी कमाल का तो मैच था ये। और गाइस अगर नेक्स्ट मैच की बात की जाए तो नेक्स्ट मैच हमें स्टैम मैच देखने को मिला था, जो गाइस डेक्स्टर लुमिस वर्सेस कैमरन ग्राइम्स के बीच था, जिसमें गाइस हमें देखा था कि भाई हमारे स्टैप का काफ़ी अच्छे से यूज किया गया था, चेयर्स का भी यूज किया गया था। कम मैच तो काफ़ी कमाल का था ही, पर गाइस अगर इस मैच में अगर रेटिंग्स की बात की जाए तो डेम बेल्जर ने इसे 3.5 की स्टार टिक्स दी है, 3.25 स्टार, काफ़ी अच्छा मैच था। तो भाई इस मैच में डेक्स्टर लुमिस ने आसानी से जीत पा ली थी कैमरन ग्राइम्स के सामने। तो भाई अगर नेक्स्ट मैच की बात की जाए, नेक्स्ट मैच हमें NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल सीटी मैच देखने मिला, जो गाइस हमारे लियोन रफ अपने चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट जोन गर्गानो एंड डैमियन प्रिस्ट के बीच अगेंस्ट चैंपियनशिप डिफेंड कर रहे थे। भाई अगर मैच की बात करें, मैच की क्वालिटी का पता है, कितनी अच्छी मैच था, ट्रिपल सीटी मैच था, क्या कमाल का एक्शन देखने मिला था। भाई एक दूसरे सुपरस्टार की जान निकाल देती है इन तीनों सुपरस्टार, मतलब काफ़ी अच्छा रेसलिंग मैच था। अगर गाइस स्टार्टिंग्स की बात की जाए तो इस मैच में हमारे डीएम मैनेजर ने 3.25 की स्टार्टिंग्स दिए, जो गाइस काफ़ी ठीक से स्टार्टिंग है, पर गाइस मुझे लगता है कि इस मैच को 3.5 स्टार तो मिलने चाहिए थे। और गाइस आप जैसे कि जानते हैं इस मैच में ऑस्टिन थ्योरी की वजह से क्या जोन के ज्ञानों ने जीत पा ली थी, और गाइस वो हमारे बन गए थे NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। इसके अलावा गाइस जो शो का मेन इवेंट था, जो कि NXT वॉर गेम्स मैच था, इसमें गाइस हमने जो टीम पैक में काफ़ी वैसे टीम अंडिस्प्यूटेड एरा के बीच देखो मिला था। भाई अगर मैच की तो भाई मैं क्या ही बात करूँ, माय गॉड, मतलब क्या कमाल की परफॉर्मेंस थी इस मैच में। काफ़ी चारों पाँच जो 8 के 8 सुपरस्टार जाने निकाल दी थी इस मैच में। गाइस आपको पता है कि एडवांटेज हमारे पीट डन के खिलाफ थे, पर गाइस इस मैच में अंडिस्प्यूटेड एरा ने काफ़ी मतलब 45 मिनट्स तक मैच चला था, तो काफ़ी अच्छी मेहनत करने के बाद जीत पा ली थी। गाइस इस मैच की अगर स्टार्टिंग्स की बात की जाए, जो मैनेजर ने 4.75 स्टार्टिंग्स दी, जो गाइस मैच में इस पूरे शो की सबसे अच्छी स्टार्टिंग्स है NXT को जो पूरा ईयर गया है, NXT के पूरे ईयर को सबसे ज़्यादा रेटिंग इसी मैच को मिली है। और आपको गाइस पता ही थी ब्रूटैलिटी किस हद तक हुई थी इस मैच में, क्या ही सभी वेपर्स का यूज किया गया था, मतलब काफ़ी मून सोल्ट मार सोल्ट काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी सभी रेसलर ने। और गाइस ये कुछ स्टार्टिंग्स थी इस पूरे शो की, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन से मैच को कितने स्टार्टिंग्स देना चाहेंगे, क्योंकि मैं सभी कमेंट करके रिप्लाई देता हूँ। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जो कर देना। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने जब भी ये NXT के शो और गाइस मैं इस पूरे शो के जो सभी पीपीवी की स्टार्टिंग्स के एक प्ले लिस्ट बना रखी है, आप हमारे चैनल पर इस प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला, क्योंकि वहाँ पर आपको सभी पीपीवी की स्टार्टिंग्स जानने को मिल जाएगी। तो आपको अच्छी लगे तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस अगर चैनल को पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आपको यहाँ पर ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।